जय जो हर मित्र किसान साथियों किसान साथियों आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी मक्का की फसल में लगने वाले विभिन्न तरह के खरपतवारों का नियंत्रण आप कैसे करोगे तो जी हाँ इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आपकी यदि फसल में मक्के की फसल लगा है और जिसमें आपके चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती जिस तरह के भी खरपतवार आ गए हैं जिसका आप कंट्रोल करेंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन सी दवाई का उपयोग कर इसे आपका कंट्रोल कर लेंगे तो जी हाँ इसके लिए मैं दवाई आपको बता देता हूँ कि एक आती है एट्रा एट्राजिन जो कि 50 परसेंट डब्ल्यू पी फॉर्म में आता है इसका हम उपयोग आपको पूरे इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि आप इसका गोल कैसा बनाएंगे और इसका छिड़काव कैसे करेंगे और आपको रिजल्ट किस तरह की दिखाई देती है तो जी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इस एट्राजिन जो कि आई की अतीस के नाम से आती है जी दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए आपको अतीस लेना होगा जो कि अटर जी के नाम से आती है और इसमें आपको एक लीटर पानी लेना होगा यदि आप एक स्पेयर बनाना चाहते हैं तो आपको पंद्रह लीटर पानी में इसको पचास से साठ ग्राम के दर से आपको उपयोग करना होगा तो जी हम आपको डेमो दिखा रहा हूं तो ये मेरा स्पेर है छोटे स्पेयर जिसमें मैं एक लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको तैयार करके दिखाऊंगा तो जी हाँ सबसे पहले इसमें डालते हैं हम पानी जी हाँ तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं सबसे पहले जो कि करीबन एक लीटर के आसपास की है जी हाँ अब इसके बाद हम इसमें पर स्पर इस किताब से इसमें हम एक लीटर पानी में आपको पाँच से छः ग्राम इसमें आपको इसको डालना होगा इसे हम करीबन पाँच ग्राम जो कि हम एक लीटर पानी में ले रहे हैं यदि आपको पर, इस पर बनाना होगा तो इसको लिए आपको पचास से साठ ग्राम इसको दवाई को आपको लेना होगा मित्रों तो जी इसमें हम दवाई को डाल दिए हैं अब इसमें हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं जी हाँ ये हमारे जो पंप है वो तैयार हो गई है अब इसमें हम करेंगे स्प्रे तो जी हाँ हमारा ये जो पंप है वो तैयार हो गया अब हम इसपे आपको स्प्रे इस करके दिखाते हैं कि आपको स्प्रे कैसे करना है तो दोस्तों अब इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपके जो पौधे हैं कि जो स्प्रे है आपके सीधे पौधे पर ना पड़े इस बात का आप ध्यान रखिए सीधे पड़े जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बट इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा तो इसमें हम स्प्रे करते हैं इस तरह आपको सभी एरिया में स्प्रे कर लेना है आपको जो फील्ड है उसमें तो जी दोस्तों इस तरह आप सभी एरिया में स्प्रे जरूर कीजिएगा आगे की वीडियो हम देखेंगे एक सप्ताह बाद जैसे कि आपको इसका रिजल्ट मैं बताऊंगा जो कि इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगा मित्रों लगभग जी हाँ दोस्तों आपका स्वागत है लगभग पाँच दिन का समय हो गया है अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो खरपतवार है उस पर बहुत ही अच्छी कंट्रोल आई है करीबन नब्बे परसेंट तक कंट्रोल है इसमें कुछ जो घास है वो कुछ कुछ बची हुई जो दो तीन दिन में लगभग खत्म हो जाएगी तो जी हाँ आप देख पा रहे हैं कि जो फील्ड है इसमें घासों का कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है तो जी हाँ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एट्राजीन का प्रयोग आपके मक्का के फसल पर तो जी आ, आप देख सकते ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा मक्के के मक्के की इस फसल में एट्राजीन जो कि पचास परसेंट डब्ल्यू फॉर्म में आता है उसका प्रयोग इसका प्रयोग आप एक बार अपनी फसलों पर, फसल पर जरूर कीजिएगा आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छी दिखाई देगा जो कि आप देख पा रहे हैं कि करीबन 90 परसेंट जो घास है वो बहुत ही अच्छे रूप से कंट्रोल में आई है जी हम वीडियो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे कृषि संबंधी तब तक के जय हिंद जय भारत जय किसान घर पर रहिए दोस्तों सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए